नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS Live। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हमारे विंडोज 7 PC में MTK65xx के ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको MKT ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप लिंक को फॉलो करके आएंगे तो यहाँ ये आपके सामने साइट ओपन होगी। यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन बना हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने एक प्रॉपर लोकेशन पर स्टोर कर लीजिएगा। जब आप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो वो कुछ इस टाइप से आपके फोल्डर में दिखाई देगी। ये जिप फाइल है, जिप फाइल को पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके एक बार ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहीं पर। ये हमारी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक विंडोज़ के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर विंडोज़ विस्टा, विंडोज 7, विंडोज XP सभी के ड्राइवर अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या है कि आप अपने स्टार्ट मेनू में जाएंगे, अपने माइक कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मैनेज। मैनेज में जाएंगे तो आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आपके सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ड्राइवर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ जाना है एक्शन में। एक्शन मेनू को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऐड लेगेसी हार्डवेयर, ऐड लेगेसी हार्डवेयर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ये पूछ रहा है कि आप किस तरह से अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ये सर्च करेगा आपके हार्डवेयर को और इंस्टॉल करेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप मैनुअली इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमें सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सिलेक्ट फॉर माय लिस्ट। यहाँ से हमें इसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हमें ड्राइवर्स की लिस्ट दिखा रहा है कि जो जो हार्डवेयर इसके साथ अटैच हैं उनकी लिस्ट दिखा रहा है। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है शो ऑल डिवाइसेस पर ही और नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, ये यहाँ पर हैव डिस्क। हम हैव डिस्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्राउज करेंगे हमारे MKT ड्राइवर्स को जो कि हमने हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर रखे हैं। तो यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपने उनको स्टोर किया हुआ है हम उनको सर्च करेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर ही स्टोर करा रखा है तो मैं डेस्कटॉप से ही यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमारे ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी विंडोज़ 64-bit है या 32-bit है। जैसे भी आपकी विंडोज़ हो उसी टाइप के आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक मेरी जो विंडो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसमें ये 64-bit है, तो मैं विंडोज 7 को 64-bit के ड्राइवर्स को उठाऊंगा। अगर आपकी विंडो 32-bit है तो आप 32-bit को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये फाइल आ जाती है, यहाँ से हमको इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है और यहाँ से अब हम ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के 5 अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स दिखा रहा है। हमें 1x1 इन सभी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे हमारे पास ये दिखाएगा, ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर लास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें बताता है डिवाइस कैन नॉट स्टार्ट कोड नंबर 10। ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है क्योंकि हमारी विंडो जो है हमें मैनुअली ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने नहीं देती है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कीजिएगा और अपने सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जितने भी 5 ड्राइवर हैं उन सब 5 ड्राइवर्स को आपको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ से फिनिश का पर क्लिक कीजिएगा। दोबारा से आप एक्शन में जाएंगे, यहाँ से ऐड लेगेसी हार्डवेयर और वही प्रोसेस दोबारा से आपको करना है। इंस्टॉल मैनुअली, देन नेक्स्ट, शो ऑल हार्डवेयर, नेक्स्ट, हैव डिस्क, और यहाँ से हमारे ब्राउज कर लेना है। इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे हम और ओपन करेंगे, ओके करेंगे।
तो हमें दोबारा से वही लिस्ट दोबारा से दिखा देता है। तो अब हम फर्स्ट ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया था, अब हम सेकंड ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे और वन बाय वन हम सभी ड्राइवर्स को ऐसे ही इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। हमारे सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं और अब हम रेडी हैं हमारे लाइफ फ्लेम 2 मोबाइल में रोम को फ्लैश करने के लिए। आपको रोम फ्लैश करनी है तो अब आप अपने मोबाइल में से बैटरी निकाल करके अपने यूएसबी केबल से अटैच कीजिए और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आप अपने फ्लैश टूल को ओपन कीजिए, उसमें इंस्टॉलेशन फाइल को सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड पर क्लिक करके और अपने मोबाइल को अटैच कीजिए। जैसे ही आप अपना मोबाइल को अटैच करेंगे ये डाउनलोडिंग अपने आप आपके मोबाइल में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है हमारे लाइव फ्लेम 2 मोबाइल के लिए ADB ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशनल चीजें लाते रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VTS Live।